गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, टॉपिक एडिशन, द क्यूरियस बॉय। हमने आपको एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर, थोड़ा सा आगे देखो, एडिशन द क्यूरियस बॉय। एडिशन की कहानी है, क्यूरियस बॉय उग्र बालक, शरारती बालक है ये। अब देखो यहाँ पर पेज नंबर नाइन ओपन कीजिए। इसमें हमने यहां तक समझा दिया था आपको कि जो क्वेश्चन किया एडिशन ने टीचर से, क्वेश्चन करने के बाद सारे बच्चे क्लास में हंसने लगते हैं और टीचर ने अपना धैर्य को खो दिया। फिर क्या हुआ था, टीचर ने कंप्लेन की, एडिशन अपने पेरेंट्स को बुला के लाए, बात करनी है उनसे। उन्होंने कहा था कि एडिशन को स्कूल से निकाल दो, आपका जो बालक है, बेटा है, बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही शरारती है, नटखट है, ये अलग अलग सिली क्वेश्चन पूछता रहता है ये। उसके नीचे देखो पेज नंबर 9 पर, ही वॉज यूज टू डू सिली एक्सपेरिमेंट्स। ही वॉज यूज, वह प्रयोग करता था टू डू करने के लिए क्या, सिली एक्सपेरिमेंट्स, मूर्खतापूर्ण प्रयोग करता था। अब मूर्खतापूर्ण प्रयोग कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करता था वो, बट ही लर्न्ड, उसने सीखा ए लॉट फ्रॉम देम। जो भी एक्सपेरिमेंट करता था, जो भी प्रयोग करता था, उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता था। एडिशन को बचपन में बहुत शरारती था ये, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने। कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है, इस चैप्टर में डाले गए हैं, वो देखिए। वन डे, एक दिन, एडिशन सा ए बर्ड। एक दिन क्या होता है, एडिशन सा ए बर्ड, एडिशन ने एक चिड़िया देखी। एडिशन बैठा हुआ था बगीचे में, तो वहां पर एक चिड़िया देखी विद बॉल्स। चिड़िया कैसी थी, उसकी चोंच में कीड़ा था। बॉम्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, सुड़ी होती हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं उसकी चोंच में दबे हुए। वन डे, एक दिन, एडिशन सा ए बर्ड, एडिशन ने एक चिड़िया देखी विद बॉम्स, कीड़े मकोड़ों के साथ, इन इट्स बीक, उसकी चोंच में, चिड़िया की चोंच में कीड़े मकोड़े थे। ही थॉट, उसने विचार किया डैड द बर्ड्स ईट बॉल्स, चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, सो डैड, जिससे दे आर एबल टू फ्लाई, जिससे कि वह उड़ने में उसे सहायता मिलती है, इन द स्काई, आकाश में। नाउ, अब ही वॉन्टेड, अब वह चाहता था टू ट्राई, कोशिश करना, दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग का, ऑन समवन, किसी व्यक्ति पर, एडिशन इसका प्रयोग करना चाहता था, कि जो चिड़िया होती हैं वो कीड़े मकोड़े खाती हैं और आसमान में उड़ जाती हैं। सो इसलिए ही मेड ए मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, किसी दो तीन चीजों को मिलाकर कर देना। सो इसलिए ही मेड ए मिक्सचर, उसने एक मिश्रण बनाया, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ऑफ बॉल्स, कीड़े मकोड़ों का मिश्रण बनाया, एंड गेव इट, और उसको दे दिया, किसको दे दिया, टू हिज सर्वेंट गर्ल, अपनी नौकरानी की लड़की को दे दिया। एक सर्वेंट थी जो नौकरानी थी, उसके घर में काम करने आती थी, उसकी लड़की थी, उसको पिला दिया टू ड्रिंक। इतना शरारती था एडिशन कि उसने नौकरानी की लड़की को कीड़े मकोड़े का मिक्सचर पिला दिया। अब आगे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कीड़े मकोड़े का मिक्सचर पी जाता है तब क्या प्रतिक्रिया होती है, द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, फेल इल, बीमार पड़ गई, बेचारी लड़की बीमार पड़ गई, फेल इल,
टू ड्रिंक इट, जब इसको उसने पी लिया था तो वह लड़की बीमार हो गई। एडिसन्स मदर, एडिसन की माँ ने स्कॉल्डेड उसको डांटा, मतलब एडिसन को डांटा, तुमने ये क्या किया, उस छोटी लड़की को तुमने कीड़े मकोड़े का जो मिश्रण बनाया था, मिश्रण बनाया था उसको पिला दिया, वह लड़की बीमार हो गई। बताओ तुमने क्या किया, उसकी माँ ने, एडिसन की माँ ने एडिसन को बहुत डांटा। एडिसन्स मदर स्कॉल्डेड, एडिसन की माँ ने डांटा हिम, मिस उसे, एंड वार्न, और चेतावनी दी, क्या चेतावनी दी, हिम उसे, नॉट डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग नहीं किया करो, अगेन अब दोबारा ऐसे प्रयोग मत करना। अब यहां पर देखो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया इसका, पहला प्रयोग किया उसने बचपन में, चाइल्डहुड में जब छोटा था एडिसन, तब उसके दिमाग में नए नए विचार आते थे, चिड़िया को देखा, चिड़िया कीड़े मकोड़े लेकर आ गई, तो उसने क्या किया, मिक्सर बनाकर नौकरानी की लड़की को दे दिया, उसने पी लिया था और वो बीमार हो गया, उसकी माँ ने, एडिसन की माँ ने एडिसन को बहुत डांटा। आगे देखो, वंस, एक बार ही साए हैं, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया एडिसन का, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेगा। वंस एक बार ही साए हैं, एक बार उसने एक मुर्गी देखी, हैच सिटिंग ऑन इट्स एग, अपने अंडों पर बैठी हुई थी, जो मुर्गी थी वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही वॉज अमेज्ड, बहुत ही आश्चर्य से देखा, एडिसन ने उसको देखा, बहुत आश्चर्य से देखा कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। When his mother told him, जब उसकी माँ ने कहा उससे, the hen is hatching eggs, मुर्गी अंडे को सेक रही है, मतलब मुर्गी जो अंडा है, अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चे हैं, उन्हें हीट मिल रही है, उन्हें गर्मी मिल रही है, इसलिए मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है, अंडे अंडों को हीट मिल सके, हैचिंग का मतलब सेकना होता है, मतलब अंडों को हीट मिल सके। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, जब मुर्गी उन अंडों के ऊपर बैठ गई थी, अंडों को सेक रही थी, गर्मी प्रदान कर रही थी, कुछ समय के बाद उन अंडों से मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे बाहर आने लगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको, जब होगा हमारा ऑनलाइन, वहां लाइव होगा।